वह उद्योगपति जिसका गरीबी में गुजरा था बचपन, लेकिन गरीबी हावी नहीं हुई। जितोड़ मेहनत कर महज 23 साल की उम्र में बना दिया कंपनी। आज यह देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी बना है। यह कंपनी भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में सुरक्षा का करता है दावा। आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यह कंपनी बिहार की है। कहते हैं जिसका संघर्ष जितना बड़ा होता है उसकी सफलता उससे दोगुनी बड़ी होती है। यह बिहार के इस शख्स के लिए एकदम फिट बैठता है। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के बदौलत मात्र 23 साल की उम्र में एक कंपनी खड़ा कर दिया था। आज यह कंपनी करोड़ों रुपये का हो गया है। यह व्यक्ति आज अपने काम के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। बिहार जैसे छोटे से राज्य में करोड़ों रुपये की कंपनी के बारे में जब कोई बताता है तो लोग एक बार में विश्वास नहीं करते, लेकिन इस व्यक्ति की सोच इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी कंपनी को भारत ही नहीं विदेश में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसने अपने घर में गरीबी के उन दिनों को देखा था, लेकिन उसने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा और आज वह करोड़ों रुपए के कंपनी का मालिक है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रविंद्र किशोर सिन्हा के बारे में, जिन्हें लोग आरके सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। आरके सिन्हा का बचपन बहुत ही कष्ट में बीता था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फोर्ब्स की एक आर्टिकल की माने तो इसी आर्थिक तंगी के कारण उनकी एक बहन का बीमारी के कारण निधन भी हो गया था। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपनी बेटी का इलाज करवा सके। साल 1971 के साल को कौन भूल सकता है। यह साल भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध का साल था। इसी साल पाकिस्तान दो हिस्सों में भी बट गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। इसी साल आर के सिन्हा पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हुए थे और उन्हें पटना के एक दैनिक अखबार में ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर नौकरी की शुरुआत किए थे। अखबार में रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें युद्ध वाले इलाकों में जाने का मौका मिला, जहां उनकी जान पहचान युद्ध में शामिल सैनिकों से हुई और उनसे इनकी दोस्ती भी हो गई थी। अखबार में इनका काम करते हुए 2 साल बीत गया और पूरे देश में एक आंदोलन तेजी से उभर कर सामने आया, जिसका नाम था छात्र आंदोलन। यह आंदोलन पटना में विराट हो गया था। इसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। आरके सिन्हा छात्रों के इस आंदोलन के वैचारिक रूप से समर्थक थे, हालांकि अखबार के साथ उनका विचार नहीं जमा और 1974 में उन्हें इस अखबार की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। घर में पहले से ही आर्थिक तंगी और अब नौकरी भी हाथ से चली गई थी। ऐसे में उनके सामने कई तरह के विचार मन में आने लगे। इस दौरान आरके सिन्हा काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो आगे क्या करें। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उन्हें प्राइवेट साइट के लिए रिटायर्ड आर्मी मैन चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ सेना के जवानों को जानता हूं जो कि इस काम के बारे में मदद कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं एक कंपनी बनाऊँ और उसके लिए इन सब कामों को हैंडल करें। संभावनाओं को भांपते हुए मैंने अपने सेवरेंस पैकेज से पटना में एक छोटा गैराज किराए पर लिया और फरवरी 1974 में SIS यानी कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस कंपनी की शुरुआत कर दी। तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। के सिन्हा ने अपनी कंपनी की शुरुआत महज 14 रिटायर्ड आर्मीमैन्स के सहारे शुरू किया था। कंपनी की शुरुआत अच्छी रही और आरके सिन्हा का यह काम चल निकला। कहते हैं कि कंपनी के एक साल होते होते इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 250 से 300 पहुंच गई थी। अब इस कंपनी का टर्नओवर भी 1 लाख से ऊपर था। अब तो इस कंपनी की शाखा देश के साथ साथ विदेश में भी है। अगर हम वर्तमान कर्मचारियों की बात कर लें तो इसके पास करीब 2.5 लाख कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान आरके सिन्हा ने बताया कि SIS पूरी तरह से बिहारी कंपनी है। भले ही आज इसकी पहुँच भारत से बाहर हो गई हो, लेकिन इसका DNA तो बिहारी ही है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी बिहारी मल्टीनेशनल कंपनी है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों का आंकड़ा देते हुए कहा कि SIS 2,69,595 परिवारों का एक रोजी रोटी चलाता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इसमें 32,300 परिवार बिहार से हैं। कंपनी इस परियोजना पर काम कर रही है कि आने वाले 2 साल में 10,000 बिहारियों को नौकरी दे सके। वहीं देश में 1.70 लाख लोगों को देश के अंदर रोजगार यह कंपनी दे रही है। आपको बता दें कि साल 2014 में आरके सिन्हा BJP की तरफ से राज्यसभा से सदस्य भी रहे। साल 1974 में 250 रुपये से शुरू हुई यह कंपनी आज $1.3 बिलियन की हो गई है। इस कंपनी के पास 2 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के कार्य को अगर आप देखेंगे तो
ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कॉस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम की सुरक्षा एसआईएस की सहायक कंपनी ने सफलतापूर्वक संभाली थी। यह कंपनी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में सुरक्षा सेवा प्रदान कर रही है। भारत में यह कंपनी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवा दे रही है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कंपनी ने सुरक्षा के साथ साथ कैश लॉजिस्टिक व फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी एक बड़ी पहल शुरू की है। देश के सबसे साफ सुथरे 10 रेलवे स्टेशनों में एसआईएस द्वारा सफाई मेंटेनेंस किया जा रहा है। साथ ही साथ यह कंपनी कैश लॉजिस्टिक के मामले में देश के 600 जिलों में 250 वैन चला रही है। आज भी जब कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एसआईएस बिहार की है, तो एक बार लोग विश्वास नहीं करते हैं। ज़रा याद करिए उस 250 रुपये को और आज का जो टर्नओवर है इस कंपनी का, 1.3 बिलियन डॉलर। तो चलते चलते आपसे एक सवाल, आर के सिन्हा आपको कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।